तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि एक समुदाय का ही खाली उत्पीड़न हो रहा है, मेरा मानना है सभी का उत्पीड़न हो रहा है, और चाहे वो एनकाउंटर किलिंग से आप ले लीजिए, और चाहे वो आप कानून व्यवस्था को लेकर के आप ले लीजिए। आज आप किसी भी थाने पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको बिना वहाँ पे अपनी जेब खाली किए आपको इंसाफ मिलना तो दूर है, आप वहाँ पे कोई चीज़ अपना रजिस्टर नहीं करवा सकते। ये 97% जो इस पूरे देश में है, और जो गरीब है, और ख़ास तौर से वो अल्पसंख्यक समुदाय, वो SC ST समुदाय, मोस्ट OBC समुदाय का है, उसमें आप मैं फिर से कहूँगा मोस्ट OBC, क्योंकि उसके अंदर कहार, कुहार, लोहार, राजभर, विश्वकर्मा, पाल, भील, ये ऐसे लोग हैं जो जिनके पास ना ज़मीन कभी रही है, जिनके पास ना रिसोर्सेज कभी रहे हैं, और ये कभी भी मुख्य धारा में इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज पाएंगे। हाल में ही एक बड़े शायर आदरणीय राहत इंदौरी जी का कल निधन हुआ है। मेरा इस लाइव के माध्यम से उनके शोककुल परिवार को मैं ईश्वर से यही उम्मीद करता हूँ कि उनको इस दुख की घड़ी में, इस पहाड़ जैसे दुख को सहने की क्षमता दे। दोस्तों, मैंने ये फेसबुक लाइव इसलिए किया था क्योंकि पिछले कई दिनों से और मेरे ख्याल से 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से निरंतर हम लोगों ने क्राइम को बढ़ते हुए देखा है, और क्राइम को बढ़ते हुए देखते हुए हमने ये भी देखा कि उसके साथ साथ क्राइम को काबू करने के लिए या प्रयास में सरकार जो है किसी न किसी तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जिसको कहते हैं, या इनकाउंटर जिसको आम भाषा में बोला जाता है, उसका सहारा लेने का काम करती है। दोस्तों, इस पे अभी हाल में ही हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले एक राकेश पांडे नाम के एक व्यक्ति को भी एनकाउंटर में के मुठभेड़ में दिखाया गया कि उनकी हत्या की गई और उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे थे। उससे पहले विकास दुबे का नाम आया, और इन दो नामों के आने के बाद तमाम लोगों ने मुझ पर, मेरे फेसबुक पर और मुझसे वैसे भी बात करके इस बात को निरंतर कहा कि आप ब्राह्मणों के लिए बोलिए और ब्राह्मण मारा जा रहा है, और इन सब चीज़ों पे चर्चा होती रही। देखिए दोस्तों, मेरा ये कहना है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एनकाउंटर्स, ये वैसे में भी अपने आप में एक गलत कदम होता है। वो इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं एनकाउंटर जो अभी हम हाल में देखते चले आ रहे हैं, वो पुलिस कस्टडी में ही हो जाता है, पुलिस पकड़ती है और उसको मार दिया जाता है, और उसके बाद क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस के पास आती है तो उसकी कभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन निरंतर लोगों ने मुझसे कहा कि ये ब्राह्मणों का मुद्दा है, ब्राह्मणों का मुद्दा उठाइए। मैं इस पर अभी तक इतने दिनों से इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मैं कुछ इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, और मैं इस तरह ही यूं ही नहीं आना चाहता। मेरा मानना है कि मेरी राजनीति किसी एक वर्ग विशेष की नहीं है और ना कभी होगी। मेरा मानना है मेरी राजनीति मानवता के साथ है, और मेरा मानना है और मेरा प्रयास रहता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ या मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मैं जातवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति से मेरा प्रयास रहता है कि मैं निरंतर ऊपर उठ करके जो है इंसानियत की राजनीति करूँ। तो इसीलिए मैंने जो है कुछ आंकड़े निकाले थे, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूपी पुलिस में वर्ष 2017 से 5000 से ज़्यादा, ध्यान करिए दोस्तों, 5000 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं, और जिसमें 182 लोग मारे गए हैं, और इसमें लगभग 700 लोग घायल हुए हैं। और 2017 के बाद ये विकास दुबे का जो भी इनकाउंटर हुआ था, इसी पैटर्न पे करीब कभी सभी इनकाउंटर हुए हैं, यानी कि अपराधी गाड़ी में भाग रहा था, पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, और रोकने के प्रयास में जो है मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ में अपराधी मारा गया, और उसके पास जो है 0.32 कैलिबर का पिस्टल बरामद हुआ।
ये एक पैटर्न आपको दिखता चला जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है, एक प्रमुख पत्रकार द्वारा जो है द वायर पे एक आर्टिकल निकला था और मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने दावा किया था कि लगभग इसमें से जो है ज़्यादातर लोग जो मारे गए हैं इन 100 मैंने अभी आपको फिगर बताया था 182 लोगों में से, इसमें करीब करीब 60 से 70 फीसदी लोग मुस्लिम धर्म के हैं और उसके बाद जो लोग बचते हैं वो अधिकतर SC ST या OBC मोस्ट बैकवर्ड कहार कुहार लोहार बढ़ई विश्वकर्मा इन समुदायों से संपर्क रखते हैं। हमने क्या देखा कि जैसे ही किसी एक वर्ग विशेष की बात आई उसके ऊपर हल्ला किया गया, राजनीति की गई की जा रही है और एक प्रयास किया जा रहा है कि समाज में ये दिखाया जाए कि इस वर्ग विशेष के साथ सरकार नहीं है। मेरा मानना है कि सरकार गरीबों के साथ नहीं है, मेरा मानना है कि सरकार उन लाचारों के साथ नहीं है जिनको सरकार की मदद चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक कि जो खुमचे चलाते हैं, जो फल बेचते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो टायर पंचर बनाते हैं, उन लोगों तक को उठा करके इनकाउंटर में दिखा दिया गया है। वो भी इसलिए क्योंकि आंकड़े पूरे करने हैं, पुलिस को ये दिखाना है कि, या सरकार को ये दिखाना है, पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है कि आप दिखाइए कि आप क्राइम को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, और पुलिस को ये दिखाना है कि हम क्राइम रोक रहे हैं। तो क्राइम रोकने के लिए क्या किया जाता है, वो किसी को ऐसे कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ेंगे जिसका कोई दो चार जो है चोरी वगैरह के मुकदमे होंगे और उसको एक बड़े अपराधी के रूप में पेश किया जाएगा कि वो भाग रहा था, बड़ी प्लानिंग कर रहा था, उसको मार दिया गया। तो ये किसी वर्ग विशेष की बात नहीं है और मुझे अत्यंत ही दुख होता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। मैं मानता हूं कि एक पत्रकार जब अभी मारे गए थे बदमाशों द्वारा, जिसके बारे में मैंने बोला था, आदरणीय जोशी जी नोएडा में मारे गए थे, मैंने उनके बारे में फेसबुक लाइव की थी। एक एप्पल के कर्मचारी थे जो लखनऊ में मारे गए थे, मैंने उधर उसके बारे में आवाज़ उठाई थी और वो जरूरी है क्योंकि ये किसी ब्राह्मण क्रिमिनल की बात नहीं हो रही है और या ये किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर वो नहीं आया था, एक जात विशेष के ऊपर नहीं आया था, वो इंसानियत के ऊपर, एक इंसान राह जाते हुए इंसान के ऊपर आया था जिसको मार दिया गया। ऐसे ही जब हम इनकाउंटर की बात करेंगे तो हम उसके ऊपर चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि विकास दुबे मारे गए या राकेश पांडे मारे गए और ये लोग एक समुदाय से आते थे और क्योंकि मैं उस समुदाय से नाता रखता हूँ या मेरे नाम के पीछे उस समुदाय का नाम जुड़ा हुआ है तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं, चाहे वो गलत रहें चाहे वो सही रहें, मैं उनके बारे में आवाज़ उठाऊँ। वो बाकी लोगों का क्या हुआ, उन इंसानों का क्या हुआ जिन्होंने कुछ नहीं किया था या जिनके नाम के पीछे एक ऐसे समुदाय का नाम नहीं है जो सबल हो, उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? और इसलिए मैंने इन आंकड़ों को आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इनकाउंटर के बारे में, इसको आप जानिए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आई थी, उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि इनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी पुलिस इनकाउंटर करती है उसको कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का साफ उल्लंघन करते हुए यूपी सरकार ने 1,00,000 रुपए तक के इनाम ऐसे पुलिस अफसरों को सौंप दिया जिन्होंने इनकाउंटर किया और उसकी रकम भी बढ़ा दी गई है। तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनकाउंटर एक इंसेंटिव के रूप में प्रमोट किया जा रहा है और ये घूम करके किसी के ऊपर भी आ सकता है। आप देखिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ देखेंगे तो पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में राज्य में अपराध की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इन एनकाउंटरों में मारे गए और घायल हुए जो भी अपराधियों की सूची में थे तो आपने देखा कि वो राज्य के 25 मोस्ट वांटेड भी नहीं थे। उनमें से जो अभी मारे गए हैं राज्य के 25 मोस्ट वांटेड लोग नहीं थे, यानी कि जो 5,000 एनकाउंटर हुए हैं यदि आप उनकी सूची देखेंगे तो अगर आप देखेंगे इसमें 25 मोस्ट वांटेड लोग कितने मारे गए हैं तो उसमें से आपको एक भी नहीं मिलेगा। और इस तरह से जैसे
मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे विकास दुबे के बारे में कितने लोग जानते थे इससे पहले? कोई नहीं जानता था, वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे भी नहीं। तो इस तरह के जो एनकाउंटर होते चले आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही चिंता का विषय है। और वास्तविकता यह है कि मारे गए लोगों में से आधे मुसलमान हैं, और जबकि बाकी सब जो है दलित हैं या तो ओबीसी हैं। तो इस पे आप चिंता मनन करिए, क्यों नहीं हम समाज का जो सबसे दबा कुचला वर्ग है, या यदि मैं मुझे बहुमत मिला है अपने अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से, तो मुझे बहुमत समाज के सभी लोगों ने दिया है, लेकिन क्या मेरा दायित्व नहीं बनता है कि मैं, चलिए समाज की, अपने समाज की तो बात उठाओ ही, मेरा समाज जिससे मुझे जोड़ा जाता है, लेकिन भारतीय समाज में जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है, दलित, जो पीड़ित लोग हैं, जो मोस्ट ओबीसी लोग हैं, और मुसलमान जो पूरी तरह से छूट गया है, उसके बारे में भी मेरा ही नहीं बल्कि सभी का दायित्व तो बनता है कि उसको साथ लेकर के चलें। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया था कि पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है कि वह आरोपी को केवल इसलिए मार दे क्योंकि वह एक खूंखार अपराधी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर से सुनिए, यह पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है कि वह आरोपी को केवल इसलिए मार दे क्योंकि वह एक खूंखार अपराधी है। ऐसी हत्याओं को खत्म कर दिया जाना चाहिए, यानी कि एनकाउंटर को खत्म कर जाना चाहिए। वह हमारे आपराधिक न्याय प्रशासन प्रणाली द्वारा कानूनी रूप से मान्य नहीं है। वे राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समान है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एनकाउंटर राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समान है। उस लेवल पे कंपैरिजन किया जा रहा है। अब आप देख लीजिए कि तमाम लोग ऐसे हैं, आप कभी भी इनकाउंटर्स के बारे में यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो आप वायर में एक नेहा दीक्षित का आर्टिकल है, आप उसको पढ़िए, और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों को घर से उठाया गया, लोग अपने रिश्तेदारी में मिलने गए उधर से उठाया गया, और एक कहा गया मोटरसाइकिल से भाग रहा था, जबकि 20 साल का लड़का वो मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाना नहीं जानता था, और ये कहा गया गाड़ी में भाग रहा था, और उसको पकड़ करके मार दिया गया। इसी तरह से अपराधी को, अपराधी महाकाल मंदिर के बाहर सरेंडर करता है, उसको हैंडओवर किया जाता है यूपी पुलिस को, यूपी बॉर्डर में आते ही उसको जो है ये दिखाया जाता है कि वो भाग रहा है, और उसको गोली मार दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी थी कि ऐसी हत्याओं को ख़त्म कर देना चाहिए, वे हमारे आपराधिक न्याय प्रशासन प्रणाली के द्वारा कानूनी रूप में मान्य नहीं है, यानी कि एनकाउंटर कानूनी रूप में मान्य नहीं है, वे राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समान है। इस पे आप लोग जरूर सोचिए, राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समान है। ये तो हुई तथ्यों की बात। अब एनकाउंटर के पीछे विचारधारा की बात करते हैं। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि विकास दुबे पर न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन क्या, और विकास दुबे ही नहीं, अभी राकेश पांडे मारे गए थे, उससे पहले तमाम और लोग हैं मेरे पास, यहाँ पे सारे नाम तो नहीं हैं, लेकिन शामली, बागपत और इन सब जिलों में से कई दलित और मुसलमानों की हत्याएं की गई हैं पुलिस हिरासत में। तो एक गैंगस्टर हमारे देश में कैसे संरक्षित रहता है, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि इतिहास में हम बार बार, हमें बार बार दिखाया गया है कि गैंगस्टर्स इस देश में बच पाते हैं क्योंकि वे सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं, पुलिसकर्मियों और व्यापारियों जैसे शक्तिशाली लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, उनके साथ संबंध रहते हैं, और उन्हें इन शक्तिशाली लोगों का जो है उनकी पनाह मिलती है, और इन शक्तिशाली लोगों को इनकी ज़रूरत भी होती है। मैंने बार बार, हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो है एक बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वो बार बार कहते हैं
कि जिस समुदाय का जितना बड़ा अपराधी उस समुदाय का उतना बड़ा हीरो बन जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज भी अपराधी को कहीं ना कहीं एक हीरो वर्शिप के रूप में देखता है, और लोगों को ये लगता है कि यदि मैं समाज में मान सम्मान चाहता हूँ तो मुझे, या नेता या अधिकारी मुझे मान सम्मान दे या जनता मुझे मान सम्मान दे, तो मुझे अपराध की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मान्यता उसको समाज और समाज के समाज में बड़े बड़े अहदों पे बैठे हुए लोग ये सब भी देने का काम शुरू कर देते हैं। और इसके ऊपर भी हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अब अगर किसी गैंगस्टर पर एक निष्पक्ष कार्रवाई की कार्रवाई हो और जांच होनी चाहिए तो क्या होता है? जांच में कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं जिनका खुलासा सरकार नहीं चाहती, और या तो अपने लोगों की भागीदारी या अवैध गतिविधियों को रोकने में उनकी विफलता, ये सारी चीज़ें सामने आने लगती हैं सरकार के बारे में। और इसलिए सरकार कहीं कहीं बड़े अपराधियों के साथ यही सोचती है कि इनको रोक करके, इनका इन्वेस्टिगेशन करके क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी है कि इन लोगों को जो है इनका खुलासा हो जाएगा अगर इन चीज़ों का। तो एक मुठभेड़ के साथ हम लोगों ने हमेशा ये देखा है कि तमाम ऐसी चीज़ों पे, जैसे ये एनकाउंटर्स हो जाते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें जो है वो सामने नहीं आ पाती जिसका बाद में खुलासा किया जा सकता था, और जिसका कई बड़े सरगनाओं से संपर्क हो सकता है, या राजनीतिक या ब्यूरोक्रेटिक संपर्क जो है सामने आने के काम हो सकते हैं। और दूसरा जो है इनकाउंटर्स के साथ जो है जो हम लोगों को चर्चा होनी चाहिए वो है कानून का शासन, मतलब कि रूल ऑफ लॉ कैसे हम सुनिश्चित कर सकें। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा यह है कि राज्य शासक या लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा कानून द्वारा, और लोगों के प्रतिनिधि द्वारा और कानून द्वारा शासित होना चाहिए। भारत का संविधान भारत के लिए कानून की शासन द्वारा शासित देश होने की इच्छा रखता है। इसके अंतर्गत संविधान देश में सर्वोच्च शक्तियाँ देता है, संविधान अपने जो प्रियम्बल है उसके अंदर सर्वोच्च शक्तियाँ देता है, और विधानमंडल दल को जो है इसकी सबसे ज़्यादा पावर दी जाती है, यानी कि कार्यप्रणाली के जरिए। कानून का नियम कानून के समक्ष समानता और आश्वासन देता है कि प्रत्येक व्यक्ति और संस्था, चाहे वो सरकारी हो या अपराधी हो, एक ही कानून द्वारा शासित होगा। कानून को सरकारी कानून और गुंडा कानून में विभाजन नहीं करना चाहिए। हमने क्या देखा है कि कानून में जो लोग कानून के साथ रहने वाले जो लोग गलतियां करते हैं उनके लिए एक अलग कानून होता है, और जो गुंडा राज में स्थापित है लोग उनके लिए एक अलग कानून के हिसाब से किया जाता है। तो इन दोनों को साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है। एक और बड़ी चीज़ है, हम लोगों को ये देखना है कि इनकाउंटर में सबसे बड़ी जो कमियां सामने आ जाती हैं कि लोग पकड़े जाते हैं और उसके बाद उनका इनकाउंटर हो जाता है, ये दिखाते हुए कि अपराधी पकड़ा गया और रास्ते में ले जाते हुए उसने भागने का प्रयास किया और गोली मार दी गई। तो इसमें होता क्या है कि सरकार एक तरफ ये भी तय करती है कि अपराधी किसको अपराधी माना जाए, और वो जज के पास या कोर्ट में जाता ही नहीं है, और उसका जो है फैसला जो है उसकी ज़िंदगी क्या है, उसकी सज़ा क्या है, वो वहीं पे सुना दी जाती है। यानी कि सरकार जज, जूरी और जल्लाद तीनों का काम कर देती है, और ये दिखाता है कि किस तरह से शासन अनियंत्रित हो गया है और अपने हिसाब से चलने का काम शुरू कर देता है, और कानून का राज पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो इस पर भी हम लोगों को देखने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों से जो है कहीं ना कहीं कानून का राज पूरी तरह से ख़त्म हो जाने का काम होता है।
अब ऐसे तमाम और मुद्दे हैं, मैं बराबर इन सब चीज़ों पे हमेशा चर्चा करता रहता हूँ, लेकिन मैंने इस मुद्दे पर ख़ास तौर से इसलिए सोचा था चर्चा करने के लिए क्योंकि एक जनता से मेरी जवाबदेही भी बनती है, और ख़ास तौर से जो लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो है एक समुदाय मारा जा रहा है और आप उस समुदाय से आते हैं और आप उसके बारे में भूलिए, तो मुझे कहीं ना कहीं हमेशा यही लगता है कि यदि हम किसी एक मुद्दे पर बात करें तो वो सबको कैसे अफेक्ट कर रहा है उस पर बात करने की ज़रूरत है। और इसीलिए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी कि एनकाउंटर जो एक एक पूरी तरह से जो है एक एनकाउंटर किलिंग पूरी तरह से गैर कानूनी चीज़ हो जाती है, उस पर जो है मैंने सोचा कि थोड़ा सा ज़रूर लाइट डालने का प्रयास करें। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि एक समुदाय का ही खाली उत्पीड़न हो रहा है, मेरा मानना है सभी का उत्पीड़न हो रहा है, और चाहे वो एनकाउंटर किलिंग से आप ले लीजिए और चाहे वो आप कानून व्यवस्था को लेकर के आप ले लीजिए। आज आप किसी भी थाने पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको बिना वहाँ पे अपनी जेब खाली किए आपको इंसाफ मिलना तो दूर है, आप वहाँ पे कोई चीज़ अपना रजिस्टर नहीं करवा सकते, एक FIR नहीं रजिस्टर करवा सकते, ये स्थिति आ गई है। तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक समुदाय के साथ क्या हो रहा है। और अभी मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी देख रहा था, मैं उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे आंसर कर दूँ। अभी हमारे एक दोस्त ने रोज़गार के बारे में कहा था कि आप रोज़गार के बारे में भी ज़रूर चर्चा करिए। देखिए, रोज़गार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और मैंने बराबर इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाने का काम किया है और आगे भी करता रहूँगा। मेरा मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं हम सभी से थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं कि हम रोज़गार को अभी भी एक प्रमुख मुद्दा बना नहीं सके। और मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी जनता से कोई आवाज़ उठती है, उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए 2017 में लोन माफ़ी की आवाज़ उठी थी, और मुझे याद है उस समय कांग्रेस सरकार भी कांग्रेस पार्टी के नेता भी और बाकी अन्य पार्टियों के नेता भी, हमारी पार्टी ने भी और फिर उसके बाद आखिरी में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्रों में ये घोषणा की कि हम लोन माफ़ी करने का काम करेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसके बारे में सोच लिया था, जनता ने इसको बहुत ज़्यादा तूल दिया इस आवाज़ में और इसकी बहुत मजबूती से एक डिमांड रखी थी, और जिसकी वजह से ये सभी पार्टियों के घोषणा पत्रों में आ गया था। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जैसे ही सत्ता शासन आया, जिस भी पार्टी का आया, उन्होंने तुरंत इस पर एक कदम उठाया। अब ऐसे ही आप रोज़गार को जोड़ लीजिए, रोज़गार अभी भी एक बड़ा मुद्दा बनकर के सामने नहीं आ पाया है, अभी भी चुनावी जंग जो है रोज़गार के ऊपर नहीं होती है। एक सीधा सा उदाहरण मैं देता हूँ, 2014 में ये कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी, 2 करोड़ नौकरियाँ नहीं हुई। आज बेरोज़गारी का स्तर जो है 45-46 साल के स्तर से जो है सबसे न्यूनतम स्तर पे पहुंच रखा है, मतलब बेरोजगारी अपने चरण सीमा पे है। और नतीजा क्या हुआ कि राष्ट्रवाद के नाम पे वोट हुआ, और वोट होने के बाद जिस पार्टी ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी वो भी सत्ता में वापस आ गए, और उससे एक संदेश क्या जाता है कि नौकरियां उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, नौकरियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम राष्ट्रवाद का मुद्दा किस तरह से पीट करके आगे लेकर के आए, और उसी से ही लोगों का जो है मन भर जाएगा और उसी से ही वोट मिल जाएंगे। तो जो नौजवान हैं, जो बराबर लिखते हैं, जो बराबर इस चीज़ को हम लोगों से शेयर करते हैं कि रोज़गार के बारे में बोलिए, रोज़गार के बारे में बोलिए, निरंतर मैंने लोकसभा में बोलने का काम किया है, लेकिन उसका नतीजा अभी भी देखने के लिए बाकी है कि क्या निकल करके आ रहा है। और
आप उदाहरण स्वरूप लीजिए, 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां जो हैं हायर एजुकेशन में अभी भी खाली हैं, उसके पद नहीं भरे जाते। प्राइवेट निजीकरण की बात की जा रही थी, अभी किसी ने यहाँ पे लिखा था निजीकरण पे ज़रूर बोलिए, बिल्कुल निजीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आप विचारधारा तो देखिए, जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी विचारधारा क्या है? उसकी विचारधारा पूंजीवाद है, और यदि पूंजीवाद की विचारधारा सत्ता में रहेगी तो निजीकरण जायज सी बात है, आगे बढ़ेगा। तो एक हिसाब से कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जो है नहीं, निजीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बड़े ही लेवल पे एक पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो ये दिखाता है कि पूरा देश जो है वो निजीकरण के साथ है। जब समाजवाद की बात करने वाली पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और हम लोगों जैसी पार्टियां जो है सत्ता के बाहर रहती हैं, और वो पार्टी जो सीधे सीधे पूंजीवाद की बात कर रही हो, जो पूंजी को आगे बढ़ावा देने की बात कर रही हो, जो धन्ना सेठों को बढ़ावा देने की बात कर रही हो, जो कैपिटल को बढ़ावा देने की बात कर रही हो, जब वो सत्ता में आ जाएगी तो इसका तो पुष्टि, इसकी पुष्टि हो ही जाती है कि जनता क्या चाह रही है। जब उनको ज़्यादा वोट मिलता है, जनता उनकी विचारधारा से अपने आप को संबद्ध कर रही है, और वो सामने आने का काम होता है। इसलिए जो नौजवान इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी नौकरियों के बारे में आप कुछ कहिए, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग सबसे पहले इसको खुद ब खुद एक बड़ा मुद्दा बनाइए, और उसके साथ साथ निजीकरण के ऊपर एक बड़ी जो है आवाज़ उठने का काम होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो अब आंदोलन तो इस समय ऐसे हो नहीं सकते क्योंकि एक महामारी का एक प्रकोप चल रहा है, लेकिन इन मुद्दों को सामने आना चाहिए और इन मुद्दों के ऊपर वोटिंग होनी चाहिए, और हमें राष्ट्रवाद और ख़ास तौर से ऐसा राष्ट्रवाद जो सिर्फ वोट लेने के लिए ही सामने आता है, उससे हमें कहीं ना कहीं सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी फिर किसी ने लिखा था कि पिछड़ों के बारे में बात करिए और दलितों के बारे में बात करिए। देखिए, मैं निरंतर सभी की बात करता हूँ, और मेरा मानना है कि इंसानियत की बात होनी चाहिए, और इंसानियत की बात करते समय वो लोग जो समाज की मुख्यधारा से कटे हुए हैं उन पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। तो अब उसमें आप चाहे मुस्लिम समाज को ले लीजिए, ओबीसी समाज में कहाँ कहाँ लोहार, बढ़ई, विश्वकर्मा, पाल, इन सब को आप ले लीजिए। मैं निरंतर चाहे वो पाल समाज रहा हो, गडरियों की बात रही हो, इसको भी मैंने लोकसभा में उठाने का काम किया है, और इन सभी के अगर हम चाहते हैं कि ये मुख्यधारा से जुड़ें तो सबसे बड़ी और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शिक्षा। और जब तक शिक्षा जो है सभी को एक सामान्य रूप से नहीं मिलती, तब तक हम कभी आगे नहीं जा पाएंगे। और मैं एक उदाहरण ये देना चाहता हूँ, आप आज की तारीख में देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले यूपीएससी के रिजल्ट्स आए थे, और उसमें दिखाया गया था कि हिंदी माध्यम के बच्चों का जो रिज़ल्ट है, जिन लोगों ने पास किया है, वो गिरता चला जा रहा है। और एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि इसका क्या कारण है और आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो मेरा एक सीधा सा इसका उत्तर है कि ये दिखाता है कि हमारी शिक्षा नीति कहीं ना कहीं पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गई है, और प्राइवेट स्कूल्स, जिसमें मैं खुद एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ तो मुझे इसके बारे में पता है, और यहाँ तक कि मैं अपने प्राइवेट स्कूल में फीस भी चार्ज करता हूँ और कुछ बच्चों को फ्री भी पढ़ाता हूँ, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है उसको एक्सेप्ट करने में। और हम लोगों के स्कूलों में एक बहुत बड़े लेवल पे महिलाओं को और लोकल लोगों को जो है नौकरियां दी जाती हैं, जिससे बढ़ावा मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर शिक्षा प्रणाली सरकार की जो पूरी तरह से बिखर गई है, और जो हमारे निजी स्कूलों में आप देखेंगे वहाँ पे कम रेट पे काम करने वाले निजी टीचर्स जो है, आम लोग जिनके पास पैसा है अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहते हैं, बनस्पत ऐसे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, जिस जहाँ 50-50 हज़ार रुपया प्राइमरी के टीचरों की तनख्वाह होती है, वहाँ पे लोग अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ
कि पूरे देश में सबसे बेहतरीन टीचर्स सरकार के पास हैं, लेकिन उनको किसी तरह से अच्छे से यूज नहीं किया जा रहा है। और ये जो विषमता बढ़ती चली जा रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, प्राइवेट एजुकेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो और जो बच्चे जो है हिंदी मीडियम स्कूल या सरकारी स्कूलों में या गांव के स्कूलों में से निकल रहे हैं और प्राइवेट शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो आगे चल के उनको सक्सीड करने के लिए, उनको सफलता प्राप्त करने के लिए उतनी ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये कहते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है प्राइमरी के बच्चे या जो और गांव के स्कूलों के बच्चे हैं वो क्वालिफाई नहीं करते हैं IAS या IPS के एग्ज़ाम्स को, बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उनकी उनका जो रेट है वो कम है, मतलब जो उनका प्रतिशत होना चाहिए वो कम है, और ये चिंताजनक विषय है। हमें अगर समानता लेकर के आनी है, और जो मैं रोज़ देखता हूँ कि गैर समानता की बात होती है, अपर बैकवर्ड दलित मुस्लिम हिंदू इनकी जो बात चलती रहती है, हमारा सबसे बड़ा हथियार इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए शिक्षा है, और ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन शिक्षा के ऊपर कभी हमारा ये भी वोटिंग का मुद्दा बना है? कभी कोई पार्टी ये जाके कहती है कि भाई आपके बच्चों को जो है वैसी ही शिक्षा दी जाएगी जैसी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को दी जाती है, या प्राइवेट स्कूल की शिक्षा और सरकारी स्कूल की शिक्षा में कोई विषमता नहीं रह जाएगी, एक समान हो जाएगी? क्या इसके ऊपर कोई चुनाव जीत रहा है? क्या इन मुद्दों के ऊपर कोई चुनाव जीत रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये सब जो है एक चुनौतीपूर्ण चीज़ें हैं। इसके ऊपर मेरा मानना है कि जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको ज़रूर विचार करने की ज़रूरत है, और यदि अपने देश में हम बदलाव चाहते हैं, यदि अपने समाज में हम बदलाव चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि बराबरी हो, यदि हम चाहते हैं कि समान अवसर मिले, यदि हम चाहते हैं कि महिलाओं को भी जो है पुरुषों समान समान सम्मान मिले और आगे बढ़ने के अवसर मिले, तो हमें इन सभी मुद्दों को वोट देते समय, क्योंकि वोट आपका एक ऐसा अधिकार है जो डिसाइड करता है कि आप कैसे लोगों से आप अपने आप को गवर्न करना चाहते हैं या संचालित करना चाहते हैं, या कैसी विचारधारा से आप अपने आप को संचालित करना चाहते हैं। तो क्योंकि आप एक बार वोट देते हैं तो आप अपनी राइट, यानी कि अपने आप को संचालित करने की राइट आप सरेंडर करते हैं उस पार्टी के लिए, जिस पार्टी पे आपका विश्वास रहता है कि मैं सुरक्षित रूप से इनको, इनके द्वारा अपने आप को संचालित करने के लिए तैयार हूँ। और जब वो बहुमत में वो पार्टी आ जाती है तो 5 साल के लिए वो अपने शासनकाल में पॉलिसी, कानून, इन सब चीज़ों को बना करके एक शासन करने का काम करती है, और वेलफेयर या नीतियां बना करके समाज को आगे या दिशा देने का, आगे बढ़ाने या दिशा देने का काम करती है। तो ये जो राइट है हर 5 साल पे मिलता है, इस समय जब वो आता है, जब भी अभी प्रधानी का चुनाव आने वाला है, जिला पंचायती का चुनाव आने वाला है, तो मेरा यही निवेदन है कि इन सब समय पे जो है अपने अंदर की नैतिकता को ज़रूर जगाएं, और हमारे समाज में, खासतौर से गांव के दूर दराज इलाकों में जो लोग उतने जानकार नहीं हैं, उनको जानकारी, उनके अंदर प्रेरणा देने का काम जो हमारे नौजवान इलाहाबाद से लिख रहे थे अभी कि इसको जो है आप रोज़गार और शिक्षा के बारे में बात करिए, मैं निवेदन करूँगा कि उस समय गांव आकर के ज़रूर इसके ऊपर प्रयास करें। ज़रूरी नहीं है सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयास करें। हालांकि काफ़ी दार्शनिक बातें होती चली जा रही हैं, और मुझे अच्छा मौका भी मिला था अभी आज के शुभ दिन पर आप लोगों से रूबरू होने के लिए, और तमाम कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मुझको कई दिनों से मेरे जहन में थे, लोगों ने मुझसे कई बार कहा कि उन पर चर्चा करिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और एनकाउंटर और रोज़गार और इन सभी चीज़ों को लेकर के। तो मुझे आप लोगों का धन्यवाद करना है कि आप लोग जुड़े और आपने ये सुना। कुछ लोग रोडों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और जलालपुर रोड के बारे में की है, फैज़ाबाद रोड के बारे में की है, और तमाम अन्य रोडों के बारे में लोगों ने अपनी बात यहाँ पे रखी है। मैं
एक खुशखबरी आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा कि बसखारी से लेकर के सुरहूरपुर तक जो रोड पट्टी और सलादीपुर चौराहा होकर के जाती है उसका चौड़ीकरण होने ही वाला है जल्द ही। और जहाँ तक रही रिपेयर की बात, उसको जो है मेरी दिशा की बैठक है सोमवार को और मैं उसको जिलाधिकारी के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और अभी ये जय सिंह यादव जी कह रहे हैं जलालपुर सुरहूरपुर रोड को भरवाने का काम करिए, अभी अभी मैंने बताया है कि ये रोड स्वीकृत हो गई है, इसका चौड़ीकरण हो रहा है। ये जब मैं विधायक था मैंने इसका प्रपोजल दिया था और कई बार इसको मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, तो मेरा मानना है कि ये जल्दी होने का काम होगा, इसका टेंडर होने का काम होगा। और एक सज्जन बोल रहे हैं कास्ट एनाइलेशन पे मेरी क्या राय है, कास्ट एनाइलेशन पे मेरी वही राय है जो बाबा साहेब की राय थी, पूरी तरह से इसको ख़त्म करना चाहिए, समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा नासूर बन करके सामने आ रहा है और है पिछले कई हज़ारों सालों से। लेकिन शिक्षा ही एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, शिक्षा यही जो है इसको जड़ से ख़त्म करने का काम कर सकती है। और बिजली की समस्याएं कुछ लोगों ने बताई थी, मैंने टिकरी फीडर के ऊपर जो ओवरलोडिंग हो रही है उसके बारे में भी मैंने ऊर्जा मंत्री से चर्चा की थी। मैं अपने बुनकर भाइयों से बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से मैंने मिलकर के जो पहले एक सब्सिडी मिलती थी लूम के ऊपर, जो एक फिक्स रेट हुआ करता था, उसको जो ख़त्म करने का निर्णय लिया है सरकार में, उसके विरोध में मैं सरकार से या मुख्यमंत्री से मैंने मुलाकात भी की थी। हालांकि उन्होंने आश्वासन मुझे दिया था, लेकिन उनका जो मैंने पत्र भी उनको दिया था उस समय, उसका मुझे रिप्लाई भी आया है। और मेरा प्रयास फिर से रहेगा कि अभी तक हम लोगों को कोई मेरा उस मतलब उस मुद्दे पर, बुनकरों के मुद्दे पर अभी कोई ठोस हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिला है। मेरा पुनः प्रयास रहेगा कि मैं उसके ऊपर मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा करूं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमारे जो विधानसभा के साथी हैं, जो विधानसभा में अभी 20 तारीख को सत्र शुरू होने वाला है, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे। और मेरा निवेदन है, टांडा विधायक हों, चाहे वो कटहरी विधायक हों, चाहे जलालपुर विधायक हो, चाहे अकबरपुर विधायक हों, आप सभी लोग जो बुनकर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, सभी विधायकों के पास जा कर के आप लोग अपना एक ज्ञापन दीजिए और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की ज़रूरत है। ये हमारे क्षेत्र का एक गौरव है कि हमारे यहाँ से कपड़ा बन करके देश के कोने कोने में, विदेशों में भी जाने का काम करता है। ये हुनर हम लोगों को बरकरार रखना है। ये जो हमारे हमारे अंबेडकर नगर के अंदर ये जो विश्वविख्यात एक कला जो हमारे पास है, वो किसी भी कीमत पे रुकने की इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमें लड़ने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग साथ जुट करके इसका ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन शासन से बात करके निकालने का काम करें। बाकी सारी चीज़ें मैं फिर से आप लोगों के बीच में आके कहूँगा। राघवेंद्र सरकार, जातिवादी बाबा साहब के लोग ही कर रहे हैं वर्तमान में, जाति प्रणाली पत्र किसका बनता है, जात के नाम पर योजनाएं कानून किसके लिए है। देखिए, अब जात का मुद्दा एक अलग मुद्दा बनता है। मैं ये भी कहूँगा कि इस समय जात के नाम पर आरक्षण और ये सारी चीज़ें सभी को मिल रहा है, और जब जाति की बात होती है तो बहुत सारे गहरे मुद्दे हैं जिसको संदर्भ में लेने की ज़रूरत है, जुडिशरी को देखने की ज़रूरत है, हायर ब्यूरोक्रेसी को देखने की ज़रूरत है, शिक्षा प्रणाली में आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन इन पदों पर बैठे हुए हैं। मेरिट और अन्य चीज़ों का भी सवाल होता है, लेकिन मेरिट पाने के लिए समान अवसरों की भी बात होती है।
तो ये बहुत ही बड़ा विषय है, किसी ने यहाँ पे लिखा है। मेरा मानना है कि थोड़ा इन सब से ऊपर उठ करके और इसके अंदर रिसर्च करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ एक फिगर आपके सामने छोड़ के जाऊँगा जो लोगों ने यहाँ कहा है। देखिए, इस देश के अंदर 100% जो जॉबें हैं, जो टोटल जॉब्स हैं, उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि 97% जो नौकरियां हैं वो निजी नौकरियां हैं। निजीकरण की बात हो रही थी अभी, है ना, और सारी की सारी नौकरियां, चाहे वो स्टाफ नर्स वगैरह की हो, वो सब भी निजीकरण में चली गई हैं, यानी कि संविदा पे चली गई है, वहाँ पे आरक्षण नहीं लागू होता है। तो अब वो नौकरियां और भी कम हो जाएंगी। तो इस देश में जो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं लागू होता है, आरक्षण लागू होता है सरकारी सेक्टर में। सरकारी सेक्टर की नौकरियां 3% हैं खाली। तो इन 3% को लेकर के इतनी ज़्यादा चर्चा होती चली जाती है, जबकि हम 97% को देखना चाहिए, जहाँ पे सारी नौकरियां बरकरार है, वहाँ पे अभी भी आप देखेंगे तो पूरी तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि सबल, यानी कि जो जिनके पास पैसा है, चाहे वो जिस भी जाति के हों, और ज़्यादातर पैसा मेरे ख्याल से जो ऐतिहासिक रूप से मजबूत लोग रहे हैं, ज़मीन जायदाद और रिसोर्सेज के साथ, उन लोगों के पास ये निजीकरण, ये प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं, ये 97% जो इस पूरे देश में है। और जो गरीब है, और ख़ास तौर से वो अल्पसंख्यक समुदाय, वो SC ST समुदाय, मोस्ट OBC समुदाय का है, उसमें आप मैं फिर से कहूँगा मोस्ट OBC, क्योंकि उसके अंदर कहार, कुहार, लोहार, राजभर, विश्वकर्मा, पाल, भील, ये ऐसे लोग हैं जो जिनके पास ना ज़मीन कभी रही है, जिनके पास ना रिसोर्सेज कभी रहे हैं, और ये कभी भी मुख्य धारा में इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि ये अपने बच्चों को ऐसी जगह पे नहीं भेज पाएंगे जहाँ पे उनको अच्छे अवसर मिले, ऐसे मौके मिले पढ़ाई के लिए, और तभी ये आरक्षण से भी छूट जाते हैं। तो ये कहना बड़ा आसान है कि आरक्षण की बात कौन करता है, जात प्रमाण पत्र की बात कौन करता है। हमारे संविधान में सोशल बैकवर्डनेस के ऊपर, यानी कि सामाजिक बैकवर्डनेस के ऊपर आरक्षण की बात कही गई है। ये कह के भी मैं दूसरे लोगों का भी दर्द समझता हूँ, अगर शायद मैं अपने पिता का पुत्र नहीं होता, या मेरे पास ऐसे अवसर नहीं होते, या मेरे पास धन नहीं होता कि मैं बाहर विदेशों में पढ़ के आऊं, और ये सारी चीज़ें हो सकता था कि मैं भी एक सामान्य व्यक्ति जिसके नाम के पीछे या एक समुदाय से वो जुड़ा हुआ हो, तो मैं भी ऐसी भावनाएं अपने मन में रख सकता था जो अभी एक साथी ने यहाँ पे शेयर किया था। लेकिन फिलहाल मैं अपने पिता या अपने परिवार को ही इसके बारे में धन्यवाद दे सकता हूँ कि मुझे ये फेस नहीं करना पड़ा है। लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ कि लोगों को यदि वो अपर कास्ट के हैं तो, और वो गरीब समाज से आते हैं, तो उनको इस चीज़ का कहीं ना कहीं मलाल रहता है कि हमें आरक्षण हमें पीछे छोड़ दे रही है। और जो गरीब समाज से आता है और SC ST का है या OBC का है, उसको ये मलाल रहता है कि सदियों से हम गरीबी झेलते चले आ रहे हैं, हजारों सालों से, और हमको बराबरी नहीं मिल रही है। तो दुश्मन क्या है? दुश्मन जात नहीं, दुश्मन गरीबी है। और जब हम जात पे ही बात करते चले जाएंगे और गरीबी के ऊपर नहीं बात करेंगे तो डिबेट ही कहीं और चला जाता है। नस्लवाद, धर्मवाद, जातिवाद, ये हमको और आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। गरीबी के बारे में बात करिए, समान अवसरों के बारे में बात करिए, एक शिक्षा, सामान्य शिक्षा के बारे में बात करिए, महिलाओं को बराबरी के बारे में बात करिए। मैं तो कहता हूँ कि जो है जातवाद से ज़्यादा अगर आप जेंडर इनक्वालिटी पे आ जाएं, आप ये सोचिए कि महिलाओं को तो आदिकाल से बराबरी नहीं मिली है, और किस चीज़ में वो हमसे पीछे हैं, आप बताइए किस चीज़ में हमसे पीछे हैं। आज एयरक्राफ्ट फाइटर्स वो चला रहे हैं, आज इंजीनियर्स और चांद के ऊपर कदम रखा जा रहा है और स्पेस में जाने का काम महिलाएं कर रही हैं, किस चीज़ में हमसे पीछे हैं? मैं तो नहीं देखता कि महिलाएं यहाँ आकर के उसके ऊपर कोई उस बड़ी लड़ाई है, लेकिन यहाँ आकर के तो कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करता। वो अगर बात करती हैं तो बराबरी की बात करती हैं, और बराबरी किस चीज़ में? शिक्षा में,
बराबरी किस चीज़ में, नौकरियों में बराबरी, किस चीज़ में समाज में उठने बैठने की बराबरी, इसके बारे में चर्चा होती है, ना कि जो है भाई मैं फला जात से आ रहा हूँ, मुझे फला जात वालों ने मुझे पीछे छोड़ दिया, ये कहीं नहीं ले जाने वाला। पुनः मैं यही कहूँगा कि गरीबी के ऊपर चर्चा हो और एक बराबरी, शिक्षा की बराबरी के ऊपर चर्चा हो, समान अवसरों के ऊपर चर्चा हो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं नकारात्मक सोच भी नहीं रखता, मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोग इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करते चले आ रहे हैं। मैं फेसबुक को भी देखता हूँ, इनके ऊपर चर्चा बढ़ती चली जा रही है और ये सकारात्मक चर्चा की तरफ बढ़ती है कि हम गरीबी से बात कर, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम समाज में समान अवसरों के लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं काफ़ी पॉजिटिव रहता हूँ इन सब चीज़ों पे और आगे भी रहता रहूँगा। और आपसे भी उम्मीद है कि आप एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की जाति के ऊपर, एक दूसरे के धर्म के ऊपर जो है आप ज़रूर जो है टिप्पणी करना बंद कर दें। उससे हम कभी भी एक सार्थक पहल या कदम की तरफ नहीं बढ़ सकते। सारा का सारा जो है डिबेट पूरी तरह से एक दूसरी तरफ चला जाता है और खट्टा हो जाता है। डिबेट सिर्फ और सिर्फ इन मुद्दों के ऊपर होना चाहिए जिस पे हम सब समान रूप से ऐसी नाव पे खड़े हो सकें जो डगमगाएगी नहीं और एक बड़ी लहर का सामना कर सकते हैं। लेकिन जिस नाव पे हम कभी कभी खड़े हो जाते हैं, उस नाव पे हम ही आपस में इतना झगड़ा कर देते हैं कि साहिल को सामना करने से पहले ही वो पलट जाएगी। तो इसलिए दोस्तों मैं इस मुद्दे पे अब बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अम्बेडकर नगर ने मुझे यदि अगर चुना है तो अम्बेडकर नगर ये ज़रूर दिखाता है कि वो जातवाद राजनीति से अभी भी ऊपर है और समान अवसरों को लेकर के, समाज में बराबरी को लेकर के, समाज में एकता को लेकर के, समाज में शिक्षा की बराबरी को लेकर के, समाज में चिकित्सा की बराबरी को लेकर के हम लोग साथ में आगे बढ़ने का काम करेंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बात करिए और ये जात पात के मुद्दे इसको छोड़ने का काम करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ज्वाइन किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ये इतने अच्छे हैं कि इस पर काफ़ी देर तक चर्चा की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसको यहीं पे अगली बार के लिए छोड़ा जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, एक बार पुनः जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि आप लोग हमेशा ही इस हमारे प्यारे से देश में पलते फूलते रहेंगे और बराबरी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। 15 अगस्त भी आने वाला है, मेरा आपसे निवेदन है कि भाईचारे का संदेश देते हुए एक दूसरे से, चाहे वो किसी भी धर्म जात किसी के भी लोग हों, उनके साथ गले से गला मिला करके इस देश की तरक्की के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।